सो हेलो, वेलकम बैक गाइस आपके एक और न्यू वीडियो में वेलकम है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे बहुत से डेवलपर्स हैं, मोड एडमिन्स, जो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोड में कोई भी इशू आ रहा है, मैं भी यहाँ पे होता हूँ, मैं भी हेल्प करता रहता हूँ। और यहीं से आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे, यहाँ कोडिंग हेल्प, कोड शेयर, यहाँ पे आप कोड्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे फ्री में, तो ये आप कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये पहली वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ एक दिन पहले, तो इसको देख लेना ताकि आपको पता लगे कि हो क्या रहा है। ये पूरी सीरीज अच्छे से फॉलो करना, मैंने प्लेलिस्ट भी बना ली है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई सोर्स कोड चाहिए हर वीडियो का, तो यहाँ पर मैं अपने पेट्रियन पर बहुत अच्छे अच्छे सोर्स कोड डालता रहता हूँ, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप मुझे सिर्फ सपोर्ट भी करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो। चलो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने डेस्कटॉप पे बनाया था फाइल, ईवी फाइल, इस पॉइंट पर क्लिक करके ओपन करेंगे। इधर देंगे सी एफ डी नॉट कोड डॉट सॉरी। तो ये हमारा वी एस कोड को ओपन कर देंगे, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में, तो वो देख लेना लाजमी से। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सिंपल सा कमांड बनाएंगे, वोन कमांड स्लैश कमांड को यूज़ करके। आगे मैं प्रीफिक्स की भी सीरीज लाऊंगा, बट अभी हम स्लैश कमांड से बनाएंगे। वोन कमांड जो है, हम यूज़र को वोन कर सकते हैं, लाइक अगर वो कोई रोल तो रहा है तो कुछ। तो ये थोड़ा सिंपल वोन कमांड होगा, क्योंकि मैं आपको साथ में सिखा भी रहा हूँ, तो इसको मैं ज़्यादा एडवांस नहीं बना सकता, बट इन फ्यूचर हम लोग एडवांस भी लाएंगे। तो इसमें आज हम क्या करेंगे कि मैं आपको एक एक लाइन अच्छे से समझाऊँगा कि क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास फोल्डर्स हैं कमांड में, तीन फोल्डर्स जो आप पैकेज हमारे इंस्टॉल करते हैं तो आपको मिल जाते हैं। कम्युनिटी में आप सिंपल कमांड्स रख सकते हैं, मोटिवेशन में आप लाइक कि बैन, बॉर्न एंड इस तरह के सब कमांड रख सकते हैं। रथर में अदर चीज़ें लाइक गेम्स और एवरीथिंग। प्रीफिक्स फोल्डर अभी आपको नहीं छेड़ना, ये भी आपको नहीं छेड़ना, ये मैं आपको बताऊँगा, ये जब डेटाबेस करेंगे तो हमें काम आएगा। तो अब वोन कमांड है तो हम ऑपरेशन वाले फोल्डर में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करके वोन डॉट जे एस करके एक न्यू फाइल बना लेते हैं। ऑलराइट, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये होप आपको सही से नज़र आ रहा हो, इसको हम बंद कर लेते हैं ताकि आपको सही से नज़र आए। एंड अब हम जो है अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं सिंपल बना रहा हूँ, आने वाले टाइम और अच्छा बनाइए, बट लेट्स सी कि ये कैसा हुई है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें हर कमांड जब हम बनाएंगे तो हमें उस कमांड में हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं उसको हम इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कमांड में हम यूज़ करने वाले स्लैश कमांड तो हर फाइल में आएगा जब हम कमांड बनाएंगे, क्योंकि हम ये स्लैश कमांड को जब तक नहीं लेंगे हम लोग न्यू स्लैश कमांड को रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। ये ले लिया एम्बेड बिल्डर, ये भी हमें यूज़ में आएगा। एम्बेड बिल्डर क्या होता है, इसमें मैं गाइड वीडियो बाद में बनाऊंगा, बट अभी हम इसको ले लेते हैं। एम्बेड बिल्डर भी हम यूज़ करेंगे, एंड एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे वो है परमिशन विद फील्ड, ठीक है। इसको भी हम यूज़ करेंगे। और ये सब कहाँ से हमको मिल रहा है, ये हमको डिस्कॉर्ड डॉट जी एस से मिल रहा है। तो हम इक्वल टू रिक्वायर्ड लगा के डिस्कॉर्ड डॉट जे एस कर लें, ठीक है। तो ये सब ऐसे हम लोगों ने डिफाइन करने होते हैं। अगर नहीं करोगे आप, लाइक आपको एरर आ सकता है कि एम्बेड बिल्डर इज नॉट डिफाइन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये हो गया, तो अब हम न्यू स्लैश कमांड बना सकते हैं। तो फॉर्मेट हमारा ये होगा इस पैकेज के हिसाब से, वो सिंपल है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डेटा एंड न्यू स्लैश कमांड जब बनाएंगे हम तो ये लिखेंगे न्यू स्लैश कमांड बिल्डर, ओके। तो आप क्या अब हम अपना कमांड बनाने का फॉर्मेट लिख सकते हैं, तो ये हमें मदद करेगा न्यू स्लैश कमांड बनाने, ठीक है। अब हम वे स्लैश कमांड न्यू बना लिया, बट हम देखते हैं क्योंकि उसमें कमांड में होगा क्या क्या। तो हम लिखेंगे, अगर हमें कमांड का नेम लिखना है तो हम लिखेंगे डॉट सेट नेम, इधर हम लगा देंगे वो ऑन कमांड क्योंकि हम ये बना रहे हैं। उसके बाद वोन कमांड की डिस्क्रिप्शन, लाइक ये करता क्या है समझाने के लिए,
हम बोल देंगे टू ऑल पीपल इन दिस सर्वर, ठीक है, जो पीपल को यूजर्स को वॉन्ट, ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें यूजर किसको वॉन्ट करने, उसके लिए हमें ऑप्शन भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम डाल देंगे यूज, ठीक है। मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ, वॉन्ट के लिए किस यूज़र को वॉन्ट करना है वो हमें गेट करने में मदद करेगा। तो यूज़र ऑप्शन ये कर लिया, अब ऑप्शन में क्या होगा, तो हम यहाँ पे हम देंगे यूज़र, क्योंकि हमें यूजर्स चाहिए। इधर इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या, हर चीज़ के अंदर डिस्क्रिप्शन देनी ज़रूरी है, लोगों को आसानी से पता लगेगा कि क्या कमांड क्या करता है, ठीक है। इसकी हम दे देंगे कि द यूज़र योर वॉन्ट टू वॉन्ट, ठीक है, कि जिस यूज़र को आप वॉन्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करो। उसके बाद हम करेंगे डॉट सेट रिक्वायर्ड ट्रू, ओके। तो सेट रिक्वायर्ड में एक ट्रू होते हैं, फॉल्स होता है, फॉल्स करेंगे तो ये नेसेसरी नहीं होगा, अगर ट्रू करेंगे तो ये कंपल्सरी हो जाएगा, लेकिन हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। इसमें मैंने ट्रू इसलिए दिया क्योंकि यूज़र को ही वॉन्ट करेंगे ना, तो खाली तो वो कमांड चलाने का फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हमने ये किया। उसके बाद हमें एक और चाहिए स्ट्रिंग ऑप्शन, ठीक है, रीज़न के लिए, हमें रीज़न भी तो देना है कि हम क्यों वॉन्ट कर रहे हैं। हम लगाएंगे डॉट स्ट्रिंग ऑप्शन, सेम ये भी वैसा ही जाएगा। उसके बाद ऑप्शन का नेम देंगे रीज़न, डिस्क्रिप्शन देंगे दी रीज़न वॉन्ट दी यूज़र। भी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट डोंट वरी, आइए आज के आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखो, इसको हम फॉल्स कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि रीज़न कंपल्सरी नहीं है, यूज़र तो हमें देना ही पड़ेगा, बट रीज़न जो वॉन्ट कर रहा है उसकी मर्जी है कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता, ठीक है। तो इसके लिए हमने फॉल्स रखा है कि अगर वो देगा तो सेव हो जाएगा, नहीं देगा तो नहीं होगा, ठीक है। इतने हो गया, जब आपका ये फॉर्मेट पूरा हो जाए तो लाइक स्लैश कमांड का आप एक कोमा लगा दे रहे, नेक्स्ट लाइन में आना है और यहाँ पे लिखना है एसेंस एग्जीक्यूट इंट्रैक्शन, ठीक है। तो इंट्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताता हूँ, तो ये हो गया पूरा हमारा कमांड का फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद ये हमने क्या किया कि अब हमने इसके लिए फंक्शनैलिटी रख ली कि ये तो हमें मिल जाए, बट इस सब डेटा से करना क्या है वो हम सब इसके अंदर हैंडल करेंगे। इंट्रैक्शन जो है वो ये हमें यही करने में मदद करता है, किसने कमांड चलाया है ये यूज़र को फेच करने में, यहाँ से रीज़न लेने में, बटन पे क्लिक हुआ है तो किसने क्लिक किया है, तो ये सब ये करते हैं वो। आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे ये चीज़, इफ नो इंट्रैक्शन परमिशंस, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। Permissions prefilled dot flag dot administrator return submit action dot hare, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इस लाइन में करना क्या। तो इस लाइन में हमने बोला कि जो कमांड रन कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना, ये हमें बताएगा सब कुछ। तो हमने बोला कि जो कमांड रन कर रहा है, अगर उस बंदे के पास सर्वर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन नहीं है तो रिटर्न कर दो और उसको शो कर दो कि आपके पास परमिशन हुए। यहाँ पे आपको बहुत सी परमिशन मिलती हैं, आप कर सकते हो, वो भी एक टोड करोगे तो आपको दिख जाएगा पैन मेम्बर चीन एक नैम लाइक ऑल परमिशन जितनी होती है, मॉडरेट मेम्बर भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ये कर देना, ठीक है। तो आप क्या होगा कि जो मॉडरेटर है वो भी यूज़ कर देंगे, ये ठीक है। इतना हो गया सेकेंड लाइन, और ये मिरर ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। उसको अगर फोर्स करोगे तो ये कमांड जो है ना, ये जो बोर्ड सेंड करेंगे, ये सब लोग देख पाएंगे कि यार इस बंदे ने ये कमांड रन किया। अगर इसको फोर्स करोगे तो वो ट्रू करोगे, लाइक अभी जैसे मैंने कहा कि ये कमांड सिर्फ आप देख पाओगे, तो इससे क्या होगा, सर्वर गंदा नहीं होगा, कोई स्पैम नहीं करेगा बार बार, ठीक है। उसके बाद अब हमें चाहिए यूज़र, इसको वॉल्व करना है जो हम लेंगे इधर से, तो वो हम कैसे लेंगे, पहले एक वेरिएबल बनाएंगे,
इंट्रैक्शन और ऑप्शंस, क्योंकि ये ऑप्शंस हैं और ये इंट्रैक्शन है, तो इंट्रैक्शन डॉट ऑप्शंस डॉट गेट यूजर, ठीक है। यूजर कितना सिंपल है, दे रहा हूँ लाइक इंट्रैक्शन ये रहा, जिसपे इंट्रैक्शन देखो उसका ऑप्शंस देखो, गेट यूजर क्योंकि हमने यहाँ यूजर किया, स्ट्रिंग होता तो गेट स्ट्रिंग करते हम, गेट इंटीजर होता तो गेट इंटीजर करते, तो अभी यूजर है तो हमने गेट यूजर करके यूजर को यहाँ पे ले दिया स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हो गया। पर अब मैंने आपको एक बात कही थी कि हमने इसको रिक्वायर्ड ट्रू नहीं किया, तो ये कोई दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। तो अगर हम कहेंगे कि अगर नो रीज़न, ठीक है, इसका मतलब होता है नो, ठीक है, नो रीज़न लाइक अगर उसने रीज़न नहीं दिया तो रीज़न पे कॉल टू कर दो, नो रीज़न मतलब इसके कॉल टू कर दो, तो ये क्या करेगा, अगर यूज़र रीज़न देगा तो फिर तो वो ही ले लेगा, बट अगर रीज़न नहीं देगा तो फिर ये रीज़न को ऑटोमेटिकली इसके कॉल कर देगा, क्योंकि हमें कुछ तो सेव करना है, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे डीएफ से, फिर ये बार आप कुछ भी नेम रख सकते हो, न्यू एम्बेड बिल्ड, वहाँ में कभी भी कोई न्यू चीज़ बनानी होगी लाइक न्यू बटन, न्यू एक्शन रो, न्यू एम्बेड, तो हम हमेशा न्यू का यूज़ करेंगे, न्यू स्लैश कमांड, ठीक है। तो अब ये आपको क्या करेगा, ये हमें न्यू एम्बेड बिल्डर बना के दे देगा, अब हम इसमें ऑप्शन दे सकते हैं लाइक सेट कलर, कलर सेट कर दूंगा ब्लू, कुछ भी कर सकते हो। इसमें मैं डीप वीडियो बनाऊंगा बाद में, और सेट डिस्क्रिप्शन, ये मैं आपको ज़्यादा अभी नहीं समझा रहा, बट मैं समझाऊंगा बाद में जब वीडियो बनाऊँ। ट्रैक्शन हम देख रहे हैं, ट्रैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक सब कुछ ये हमें मैनेज करके दे रहा है, किस गेम में किस सर्वर में कमांड रन हुआ है ये भी हमें ये बताएगा। तो आपने क्या किया, इंट्रैक्शन डॉट गिल्ड, जिस सर्वर में कमांड रन हुए उस गिल्ड का नेम, ये क्या करेगा हमें उस गिल्ड का नेम दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम शो कर देंगे अपने रीजन, तो इतना हो गया, हम ज़्यादा नहीं चाहेंगे। तो एक अपने एम्बेड ये बनाई जो जिसको हमने वॉन किया उसके डीएम सेंड करेंगे पोर्ट, और एक हम बनाएंगे जो सर्वर में शो करेंगे कि भाई वॉन कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो एक और बनाएंगे हम, इसका भी कलर सेट करूँ, इसमें मैं रेड सेट कर दूँ, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी सेट कर देंगे हम सक्सेसफुल क्यों ना मेंबर रीजन, तो यही क्या करेगा, ये शो कर देगा मेंबर जिसको हमने वॉन्ट किया और किस रीजन से, तो ये रीजन शो कर देगा, ठीक है, सिंपल। अब ये हमारा बन गया, अब हमें इसको बस सेंड कर, ठीक है, करेंगे अवेट इंफेक्शन डॉट रिप्लाई एम्बेड्स एम्बेड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाली एम्बेड सेंड कर देगा, उसके बाद हमारे पास दूसरे एम्बेड भी तो है, उसको हम कैसे सेट करेंगे, अवेट मेंबर डॉट सेट, ठीक है, क्योंकि जो मेंबर हमने लिया है यहाँ पे उसी को वॉन्ट कर देना, तो उसी को सेंड होनी चाहिए, तो मेंबर डॉट सेट, तो ये क्या करेगा, उसको प्राइवेट मैसेज सेंड करेगा एम्बेड्स डीएल सेट, ठीक है, क्यों हो गया। उसके बाद हम देख लेंगे लाइक सक्सेसफुली सेंड हो गई है या नहीं, क्योंकि बहुत यूजर्स का डी एम ऑफ होता है तो सेंड नहीं हो पाती, तो क्या होता है अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारा बोट ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा एरर की वजह से, तो ये हमें ज़रूर लगाना है कि अगर उसको नहीं भी सेंड हुई उसके डी एम ऑफ था तो बस रिटर्न कर दूँ, नहीं बोट ऑफ मत करो, दैट्स इट, ये हमारा आज के कमांड बन गया। और उसके बाद आप जो बस जाने अपने टर्मिनल में नोट डॉट करोगे, ऑलराइट, तो हमारा बोट ऑनलाइन आ चुका है, अब हम देखते हैं करके बनाना अपना कमाल। तो इधर वॉर यूज़र, मैं अपने आपको ही वॉन कर देता हूँ क्योंकि अभी कोई एनी फॉर सीजन, देखो यूज़र को आप
बिना दिए नहीं छोड़ सकते, लिखा था रेड हो जाता है। रीज़न आपकी मर्जी है, आप छोड़ भी सकते हो नहीं भी छोड़ सकते, ठीक है। तभी के लिए हम छोड़ देते हैं, देखे ठीक है, रीज़न में नहीं देता, सरेंडर करूँगा मैं, देखे इसने मेरे को वॉन कर दिया और मुझे TMB सेंड कर दिया, यू हैव बीन वॉन एथिकल है, ठीक है। क्योंकि मैंने रीज़न नहीं दिया था तो इसने वो ऑटोमेटिकली ये रीज़न सेट कर दिया, तो यहाँ ये सेट कर दिया, तुम्हारा वॉन्ट कमांड बन गया, वो पर सुबह जा क्या होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि अभी बेसिक चल रहे हैं, बट आने वाले टाइम में हम फास्ट होते रहेंगे।